Thank you.
जिते संगल जो सुरह तेल भरे जन लाल तुझी यो ते लगे तहार सी अर्ज था कयो दावत था दियो जन जे उन बारात के जन जे करे सी सब के कर मास तो क्या श्री राम जहरानी श्री वेदराही अवर गेस्ट मैडम दीप्ति नेवल हनी कल्चरल एकेडमी सहयोग फाउंडेशन के तरफा सब का पहरी मार्स तो क्या श्री राम जहरानी साहब के तो हूँ स्वागती खिताब असाजे सामने पेश कर श्री राम जहरानी साहब माली कल्चरल एकेडमी के तरफा सभी साहित्यकार अदीबन सिंध के शहदन जो हार्दिक स्वागत क्या तो सचपच मां अज पा के खुशकिस्मत तो समझा जो अड़ियन महान हस्तियों के विच में अज मुख्य मंच से वेहन जो मौको मिलो है ही उहे साहित्यकार हैं उहे अदीब हैं जिन इतिहास में तारीख में उनके पनन में एक अहम जगह वाला रिया है ईंदड़ पीढ़ियों हैं ना थोड़ा कद लाए न सकते हैं जो योगदान दिनों है साहित्य के क्षेत्र में मां वरी एक दफो इन सभी जो हार्दिक स्वागत क्या तो है चाहिंदुस्त ताड़े दे फैकन सा खटवाणी साहब वेदराई साहब दीप्ति नवल और दादा कीरत बाबानी साहब जो स्वागत है वेदराई साहब जैके ऐसा सिर्फ बनी अगर रिक्वेस्ट कई से तो तवा सा ने फंक्शन जो इन जलसे में ची सदार्थ क्यों मुख्य मेहमान थियो बिजी होने के बावजूद भी उन्हें जड़े यो बुधो तो मिस्टर किशन खटवाणी इंदौर का खास अची रहा है उन साहित्यकार जो सम्मान है उन जरूर इंदुस मिस्टर वेदराई साहब जो है बेशुमार फिल्म जो उन्हें कहानी लिखा है जैमें मोहन कुमार जे एम प्रकाश या सोहनलाल कंवर जो काफ़ी उन फिल्म जो कहानी लिखा है कहानी भले फिल्म जो हुई पर उन वक्त उन हालात उन दौर के एक शिक्षा जन लाइड मैसेज एक पैगाम उन पैं कहानी में दिनों उन्होंने अड़ियं स्टोरीज हैं जिनके कदम मूँ विसारे न सको एक उन दौर की कहानी जिठी हो रामानंद सागर जी प्रेम पर्वत हिंसर वेझड़ाई में उन्होंने है वीर सावरकर एक स्टोरी जैसे लिखी है डायरेक्शन कई है जैके समझा तो बॉम्बे के भारत की फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास जै फिल्म जोड़ो है उन वेद राई साहब जो असी सिंधी शाल स्वागत कर वेद राई साहब कश्मीर के वादियों से है उस कश्मीर के सर जमीन से ही आए हुए पश्चिम के संस्कृति में पली और भारतीय संस्कारों के जो उसमें गुण है वो अमेरिका से आई हुई है मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स वहीं रहते हैं दीप्ति ने जब फिल्मों में कदम रखा मेरे ख्याल से पहली फिल्म उनकी थी एक बार फिर और उससे आज तक शक्ति फिल्म जो आपने लास्ट देखी होगी वहां तक इन्होंने फिल्मों में सिर्फ फिल्मों में काम करना है इस भावना से नहीं मगर उस किरदार को उस कैरेक्टर को उसको निभाना है मगर निभाना इस तरह है कि वो छाप छोड़ दे तो उनका भी हम चंद्र मंगानी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहन जी का सम्मान शाल और हमारे सिंधी इस टोपी से करें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दीप्ति जी ने अब लिखना भी शुरू किया उनका एक पुस्तक रिलीज हो चुका है और दूसरा रिलीज होने में तो वो साहित्यकारों के उस लाइन में आ चुकी है जो सद इंदौर छे मिलन आया मिस्टर खटवाणी साहब के बारे में कुछ पढ़ो है
साहित्य में जो को योगदान दिनो है जो को वर्षो असा जे पीढ़ी के उडई वनि रहा है ये उनन जो को असा जी जका पीढ़ी आए या इंद्र पीढ़ी उन जो वर्षो उन जो को मौली कोने को इनन जी कहानी में इनन जे हर तरह जा किरदार है इनन के काई बे लेबल लगाए नथी सके तही इन किस्म जा राइट ट्रायल या इन किस्म जो ही सिर्फ लिखी सकन था उन जे विकरण पे को लेवल नथी लगी सके छकान ते इनन जे कहानी में विरहांगे जो जेकडे दर्द मिले तो वतन जी होबा बाहे या सीने दे सुर्ख भाग में जेका दिल धड़के थी उन जे मोहब्बत ते प्यार जो कहानी पे है लुड़क मुर्क इन जे हर कहानी में मिली रहे हैं असा के ये सिर्फ एक वर्ग साहित्यकार न पर एक ऊंच कोटि जा इंसान है इंदौर में इन जो घर साहित्यकारन कलाकारन सिंधियत के शहदान देला ओताक है जिते कचहरी जरूर थे तू ये खड़ी चाहिए तो आगरे शहर में कोई वने ताजमहल जो दीदार न करे सागे नमूने जे करे इंदौर कोई साहित्यकार है कलाकार पहुंचे ओहो असा जे किशन खटवाणी साहब जे उन ओताक में कचहरी में न पहुंचे यो आनु मुमकिन है बिल्कुल थी न तो सके अड़े शख्स के अज असी सम्मान करे जो सम्मान करे रहे आई समझो था तो यो असान जे लाए मान थी रहा है तो असा अड़ी शख्सत जो असी हित माली कल्चरल एकेडमी जे तरफा सम्मान था क्यों पया मां किरत बाबाणी साहब जे के माली कल्चरल एकेडमी जा पैटर्न है जिन जे रहबरी सा असी माली कल्चरल एकेडमी जो कारवा के अगे वधाई था पया उनन के अर्ज कर दस तो वो ट्रॉफी ए शाल सा मिस्टर कृष्ण बाबाणी साहब जे सम्मान कर educate myself. Mandi Cultural Center will, I think, now from today onwards give me the opportunity to get acquainted with Sindhi literature. My only reference has been the Sufi poetry which I have been listening to ever since childhood, I think through the voice of Abida Parveen. And today I heard some amazing songs from all that. Wonderful, yes. I'm very moved with that music. I will say two lines from my first book, which I think bahut pehle ka kaam hai, from a collection called Lamha Lamha. I'll just say two lines. Jab bahut kuch kehne ko jee chahta hai na, जब बहुत कुछ कहने को जी चाहता है ना, तब कुछ भी कहने को जी नहीं चाहता। पहली बात तो ये है कि आज के युग में लिखना क्या है, अभी किशन जी इतना लिखते हैं पर और भी बहुत से लोग लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज के युग में जो लिखना है ये पीपल के दरख्त की पूजा करना है जिस पर कोई फल नहीं होता। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में इसीलिए पीपल की पूजा की जाती है कि उस पर कोई फल नहीं होता है। तो आज जो लेखक किशन जी की तरह लिखता है वो पीपल की पूजा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो अपने ज़्यादातर, एक तो हम लिखते हैं, लिखना बहुत कठिन काम है, एक तो हम लिखते हैं फिर उसे कैसे छपवाते हैं आप ये सोच नहीं सकते। घर के खर्चे काट के, खर्चे में से काट के बुक छापते हैं,
फिर उसे अपने साथियों में बांटने के लिए पैसा खर्च करते हैं। कितने राइटर हैं? मैं जानता हूँ कितने हैं। आज गोविंद जी की इतने कहानियाँ, इतने नॉवेल जिनकी हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी जिनको याद करने के लिए गोविंद माली जी को, उन्होंने कितना कुछ लिखा। वो इतना अदबी विरसा जो है आपके पास, वो आपके बच्चों पर कैसे पहुँचेगा? नहीं, वो सिंधी को और भी अच्छी तरह से जिंदा रखिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर जो है वो आपके बच्चों तक पहुंचेगा, तो वो सिंधी के जरिए ही पहुंचेगा, डोगरी के जरिए ही पहुंचेगा, पंजाबी के जरिए ही पहुंचेगा। सिंधी का जीवित रहना इस सूरत में बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार फिर किशन जी को मुबारक बात। शुक्रिया सर, आपके सुझाव आपकी सलाह बहुत ही महत्व रखती है हमारे लिए। मिस्टर किशन खरवानी साहब भी साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, आपने भी साहित्य अकेडमी के अवार्ड जीते हैं। जो चीज़ जो आपके इस लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे हमारे राइटर्स ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है। हमारे ईश्वर आचल जी हैं जिन्होंने ये लिखा है कि पहले तो हमें चिंता होती है कि लिखा जाए, फिर ये फिक्र सताती है कि इसको किस तरह से छपाया जाए, फिर ये होता है कि लोगों तक कैसे पहुँचे। तो ये सभी जातियों में इस जैसे आपने बताया ये प्रॉब्लम शुरू है, मगर हमारी पीढ़ी की तरफ से और ये हमारी पीढ़ी आगे की पीढ़ी तो तक पहुंचाएगी, ये हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कह भी कलाकार साहित्यकार के सुनान लाए, उनके समझण लाए, जहे युग में वो पैदा क्यों आए उन्हें भी जाना तमाम जरूरी है। कृष्ण खटवाणी उन्हीं बिलबिले खीज दौर की पैदाश आए, जैमें बिन किस्म जो तहरीकू हुई, एक पास कौमी तहरीक हुई बे पास इनकलाबी तहरीक हुई। असाजे भारत में देश की आजादी लाए कौमी तहरीक हली रही हुई, सारी दुनिया के अंदर एक इनकलाबी तहरीक हली रही, साम्यवादी माना इंसान की एक जड़ाई जो जो फिलसफो खड़ी या साम्यवादी तहरीक हली हुई, उन बिन्हीं तहरीकों को किशन खटवाणी से असर आए। उन जमाने में जैसे शाहूकारी बार ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वन की चाहना रखा सुपना लहंदा हुआ, तरह जो सिंध में कौमी वीचार जी हुआ शागिर्द असान जड़ा या माली जड़ा या शोभे जड़ा या कृष्ण जड़ा, असी शांति निकेतन में पढ़ने की जो ख्वाब दिसंदासी, यह एक तमाम खुश नसीबी है कृष्ण की, जो कृष्ण जो यो ख्वाब पूरो थो शांति निकेतन हो। टैगोर के छप्पर छाया में, गुरुदेव के छप्पर छाया में वो पंजी ग्रेजुएशन करे आयो। तो आज जितरो गालैंदा ओतरी सा के शिक्षा मिलंदी ना करे सिखंदा रहना से तमाज हर एक लफ्ज मां ये जन जो सबने के इंतजार है मुझे सामूह के नजर अच्छे तो मैं समझा तो पूरे देश मां सब असा जो साहित्यकार के नजर अच्छी रहे हैं। दिल्ली मां मिस्टर जेटले साहब है, हीरो ठक्कर है, गांधी धाम जा भेण बेमी सदारंगाणी है, और मिस्टर उत्तम साहब है, ठाकुर चावल है, मोस्टली सभी असाजा जेके साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिनते असाजे समाज जो सच पर जिन समाज के का नई दिशा ना मोड ना वो सब इतने मौजूद हैं। ये असा सब मिली करे मिस्टर किशन खटवाणी साहब का कुछ बोलना चाहना सी मां ये तो समझा तो अज 50 साल का को आसान जुड़ा है सब का दुखियो भी रहा है देन का आग में लेके ऐसा कि 50 साल लगा जह में ऐसा है पानी लगती जो लाई सरकार के हरिजन दुनिया पहले मानों की जगह है जी खाली या भगवान की सारे हिंदुस्तान को मैं
बीब असांजा केतिरा लेखक या कलाकार घुमंदा हुआ, असां जेको हिकिड़ो जिलो पैदा कयो, असां जेको हिकिड़ो गुलबुलो पैदा कयो, उहो दौरु हो। पर उहो दौरु हाणे ख़तमु थियल आहे, असीं हाणे सिक्योर करण लाइ थियल आहियूं, न हिते सॼी दुनिया में। त असां वटि हाणे जेकी वॾो मिसल हुजे थो, हिकिड़ो त असीं जे टिड़ी पखी जी आहे उहा हिकु जाति थी कीअं रही सघंदासीं, ऐं ॿियो उन खां वधीक वॾो मिसल हो असांजा ॿार जेके जेके हाणे पैदा थिया, जेके सिंधी कोन था ॼाणनि या जिन सिंध कोन ॾिठी, उन्हनि खे सिंध जो अहसासु उहो कोन्हे को जेको असां वटि आहे। त उहे सिंधी थी कीअं ॼाणनि? इंसान सभु जीअं असांजा सिंधी जेके ॿाहिरि रहनि था तमामु सुठे नमूने जीअनि था, सभिनी खे भल आहे, माणी कार्स आहिनि सभु आहे, पर सिंधी थी जीअण त रुॻी ॻाल्हि आहे। ऐं हिकिड़ो इंसान बि शाहूकार थी या हिकिड़ो ॿिए नमूने किथे कंहिं सोसाइटी मेंबर थी जीअं ॿी ॻाल्हि। ही ॿ सुवाल जेके आहिनि काफ़ी ॾुखिया आहिनि ऐं उन्हनि खे असांखे हाणे मुंहुं ॾियणो पवंदो। जेकॾहिं असीं हाणे नथा ॾियूं त पोइ जेके चइजे खणी असांजे हथनि मां ॻाल्हि निकिरी हिन ज़माने में जिते दुनिया एतिरी जल्द बदिले थी। अॻे ज़माने में हूंदो सभिनि में कुझु कोन, अॼु ॾहनि साल में एतिरो थिए थो जो की कॾहिं सदियुनि में ॿिए सदियुनि में बि न थियो। त उन में एतिरो फ़र्क़ु पवे थो हर हिकु इंसान में। असांजा ॿार जेके असां घणा पधर था हलनि आहिनि, असां त बिल्कुलु बदिलियल आहियूं, ऐं उन्हनि जा ॿार तॾहिं उन्हनि खां बि अॻियां हलिया आहिनि। मूंखे बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त सरकारी सतह ते असांजे सिंधी भाषा खे सिंधी ॿोली खे बिल्कुलु न हिमथायो वियो आहे। हिते मिस्टर मटलाणी वेठा आहिनि, जेके सिंधी अकेडमी महाराष्ट्र जी आहे उनजी सिर्फ़ु बजेट 65,000 आहे। 65,000 मां असांखे करे हलाइणो आहे, ठाकुर साहब साहिब उन्हनि जा मेंबर आहिनि। सो सरकारी सतह ते असांखे बराबरि मदद न मिली आहे।